गांव के आंकड़े हैं, अस्पतालों के आंकड़े हैं, तस्वीरें हमारे पास है, कुछ तालों की तस्वीर है, कुछ जो लोहे की जंजीर में बंधी हुई गेट की तस्वीर है, कुछ पेड़ की तस्वीर हम तक सामने आई है। एक पुराना पीपल का पेड़ है, कुछ लोग नीचे हैं, उनकी टहनियों से स्लाइन की बोतलें हैं और आज बहस बिहार की में चर्चा इसी बात पर है कि आखिर ये तस्वीरें हम तक क्यों पहुंच रही हैं। आपका स्वागत है सभी दर्शकों का, मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना गांव गांव में फैल चुका है, मगर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि गांव में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह है हमारा हेल्थ सिस्टम। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या तय मानकों से कई गुना कम है। तीन साल पहले की एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 800 से 1000 सामुदायिक केंद्रों की जगह सिर्फ 150 केंद्र हैं। 30,000 की आबादी पर एक पीएचसी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां 53,000 की आबादी पर एक पीएचसी है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम होने के बावजूद ज्यादातर जगहों पर डॉक्टर और सुविधाएं नदारद हैं। सवाल है कि आखिर गांव के अस्पताल कैसे सुधरेंगे? तो एक साथ कहीं डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं, कहीं अस्पताल बने तो खुले ही नहीं, कहीं खुलने से पहले इमारत खस्ता हाल। कब सुधरेंगे गांव के अस्पताल? स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे खुले हैं, मगर मरीज अस्पताल के बाहर पड़े हैं, जहां पीपल की छांव में झोला छाप डॉक्टर उनके इलाज में जुटे हैं। वो इसलिए क्योंकि वैशाली जिले के बाकरपुर पंचायत के चकसिकंदर स्वास्थ्य उपकेंद्र आए मरीजों को इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला और ऑक्सीजन सिलेंडर तो सपना ही है, इसलिए पीपल के पेड़ से डायरेक्ट ऑक्सीजन मजबूरी है। न यहाँ पर कोई दवाई मिलती है, न यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है, न यहाँ पर कोई व्यवस्था है। ऐसी हम लोग पीपल का पेड़ है, इस जगह कहीं जाना आना नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन पीपल देती है, इसलिए ऑक्सीजन के चलते हम लोग पीपल को बैठ करके अपना ताश खेल करके समय को अपना बिताते हैं। ऑक्सीजन के लिए पीपल का पेड़ तो ऑपरेशन के लिए ओटी की जगह ऑटो का इस्तेमाल देखिए। यह सुपौल के त्रिवेणीगंज का अनुमंडल अस्पताल है, जहां सड़क दुर्घटना के बाद ऑटो से अस्पताल पहुंचे एक मरीज को डॉक्टरों ने अस्पताल में एडमिट करने के बजाय ऑटो में ही मरहम पट्टी कर एम्बुलेंस की जगह ऑटो से ही दूसरे अस्पताल भेज दिया। ये डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्राइवेट एम्बुलेंस बुक करो। प्राइवेट एम्बुलेंस बुक करो, हाँ तब ले जाओ। हाँ तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं है? हाँ नहीं है, ये बोल रहे हैं। शुक्र मनाइए कि यहाँ इतना भी इलाज हो गया। अगर ऐसा ही कोई मरीज मुंगेर के तारापुर इलाके के बेल भीमा अस्पताल में पहुंचता तो उसे स्वास्थ्य केंद्र के गेट से पैरंग ही लौटना पड़ता। नाम का हॉस्टल है, यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है। जो मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पे एक्सपायर मिलेंगे। अगर किसी को कुछ कल को कुछ जरूरत पड़ता है या कोई बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर तारापुर जाके अपना इलाज करवाते। ये हाल तब है जब बिहार में मानकों के मुताबिक जरूरत से काफी कम स्वास्थ्य केंद्र हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों नहीं सुधरती बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और कब सुधरेंगे गांव के अस्पताल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार, झारखंड। तो सरकार हुजूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोरोना गांव तक पहुंच चुका है, व्यवस्थाएं गांव तक नहीं पहुंची हैं। जिन भवनों में अस्पताल चलाने की कोशिश आपने की थी वहां ताला लटका है, और जो छोटा वाला पीपल का पौधा था अब बड़ा हो चुका है, उसके नीचे ऑक्सीजन की सप्लाई वो पीपल का पेड़ कर रहा है। हास्यास्पद है आपकी व्यवस्थाओं पर, हंसी भी आती है, गुस्सा भी होता है। और इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम लोग आपसे सवाल पूछेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, एक से एक सवाल पूछेंगे, जवाब देते रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पीके सिन्हा है, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक IGIMS के, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। अभिषेक झा है, प्रवक्ता JDU के, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। कुंतल कृष्णा जी, कांग्रेस से निमंत्रण हमने दिया है, अभी तक नहीं पहुंचे हैं और पहुंच गए, शायद पहुंच गए हैं और उन्हें हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पीके सिन्हा साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप पूर्व चिकित्सा अधीक्षक रह चुके हैं IGIMS का,
अनुभव हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आज भी अगर हम गांव में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कहते हैं और तस्वीरें आती हैं नेगेटिव, ताले वाली, जंजीरों वाली, बदहाल, तो वैसे में कैसे हराएंगे इन महामारी को? यह कंसेप्ट जो सरकार का है वो तो गांव की दहलीज पर फेल हो जा रहा है, उस मुहाने पर, उस चौक पर। तो फिर हम ये इस कोशिश को क्या नाम दें? कागजी कोशिश है, दिमागी फितूर है, या फिर जनता को बहलाने वाला है? आप हमसे पूछ रहे हैं जी, डॉक्टर पीके सिन्हा साहब। देखिए, अभी अभी मुख्यमंत्री जी का ऐलान हुआ है, आप कल के ही अखबार में था, कि 2000 से कुछ ज्यादा डॉक्टर्स लोगों को कंपलसरी उनको बिहार में योगदान देना होगा, जो पास आउट करेंगे, MD MS किए हो चाहे MBBS किए हो जी, पास आउट के बाद उनका कंपलसरी होगा कि योगदान करना है जी। डॉक्टर की कमी के चलते ही ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हम समझते हैं ये एक बहुत ही अच्छा पहल है, इससे जो कमी है वो पूरा होगा। हाँ, कैसे पूरा होगा? गांव की संख्या, डॉक्टर की कमी, जो आंकड़े कहते हैं, जो आंकड़े कहते हैं उनमें गांवों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, 45,000 से 40,000 से ऊपर गांव है। नहीं नहीं, उनमें PHC CHC वैसे अस्पतालों की संख्या, वो भी एक मुद्दा है। सरकार ने यह कह दिया कि हम डॉक्टरों को वहां भेजेंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है वहां ड्यूटी पर लगाएंगे, लेकिन सर हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि जिनकी तैनाती है वही तो गायब हैं। फोन मिलाने पर पता चलता, हम ऐसा नहीं कह रहे, वो भी कोरोना पीड़ित हैं, लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन व्यवस्थाएं 10/10 नहीं है। सवाल इस पर है। नहीं देखिए, आप जो ये आंकड़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% यही किसी भी डॉक्टर गायब हैं, बहुत सारे डॉक्टर काम पर लगे हुए हैं, वो एक साल से वो थक गए, बहुत हो सकता है कुछ परसेंटेज हो जो ब्लैक शिप हो, काम पर नहीं जा रहे हो, अनुपस्थित रहे हो, सरकार ने उन लोगों को बर्खास्त भी किया है। अब सवाल है कि डॉक्टरों की पूरी कैसे की जाए कमी को, तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू भी हाल में ही बहाली हुई है, फिर पुनः बहाली होने जा रही है और हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, सरकार पूरी तरह से लगा हुआ है कि जो हेल्थ कैडर है उसको भरा जाए। डॉक्टर ही नहीं, नर्सेस, ANM सारे लोगों की बहाली हो रही है, और OT टेक्नीशियन हो, चाहे मेडिकल टेक्नीशियन हो, चाहे ECG टेक्नीशियन हो, सारे लोगों का एडवर्टीजमेंट निकल रहा है और उन लोगों की बहाली होने जा रही है। जहां तक अभी जो सिचुएशन है, डॉक्टर पीके सिन्हा साहब, आपने एक बहुत लंबी सेवा दी है और पूर्व चिकित्सा अधीक्षक के तौर पर आप रहे हैं, अनुभव की बात हम कहते हैं कि आपके सामने वो सारी चीजें बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि भोज के समय कोहरा कैसे रोपा जा रहा है, आप ये भी देख पा रहे हैं और ये समझ भी पा रहे हैं कि जिन लूपहोल्स को दूर करने की बात कही जा रही है वो आपके दिमाग से सॉल्व हो सकता है। सरकार ने वैसे सभी पूर्व अधीक्षकों से जो के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्या संपर्क साधा, ताकि हम जो ये गांव कनेक्टिविटी की बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधा के नजरिए से, उसे हम पूरा कर पाए? सरकार अपने नीति के तहत ही काम करती है और जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको ऐसा अभी तक कोई कानून नहीं आया है या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकला है कि सेवानिवृत्त पदाधिकारी या चिकित्सा जगत के हो उन्हें कार्य करने का मौका दिया जाए, ये अभी नहीं आया, यह मैं मान रहा हूँ। लेकिन सभी जगह प्राइवेट रूप में भी ये लोग अपना काम कर रहे हैं और राय दे रहे हैं जहाँ तक हो रहा है, उचित राय दे करके, और मेडिकल का जो अभी जो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, हाँ, वो कार्यरत है। ठीक है, अभिषेक हमारे साथ हैं, अभिषेक झा, प्रवक्ता JDU से। अभिषेक, ऐसे समय में जब हालात सरकार के विपरीत हों, उस समय आप प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हिम्मत की दाद देनी होगी कि जब सवालों की बौछार होगी तब अभिषेक हमारे सामने होंगे। अभिषेक आज भी हमारे सामने हैं। अभिषेक, हालात तो अच्छे नहीं हैं, हम गांव कनेक्शन की बात कहते हैं, सरकार ये कहती है कि हम डॉक्टरों की बहाली कर रहे हैं, डॉक्टरों को भेज रहे हैं, लेकिन जितनी तस्वीरें हम तक पहुंची हैं वो 8 से 10 विंडो में हमने दिखाई, क्योंकि 10 से ज्यादा हम बनाएंगे तो वो दिखेंगी नहीं। तो 10 खिड़कियों के जरिए हमने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया
हो सकता है कल 10 खिड़कियां और तैयार हो जाएं। आपने एकदम ठीक कहा विवेक, मैं तो मानता हूं कि सरकार के सामने ही चुनौती नहीं बल्कि मानवता के सामने चुनौती है कि इस पैंडेमिक से हमें लड़ना है। बस आपसे थोड़ा इत्मीनान से बच चाहूंगा कि जो तथ्य मेरे सामने है, जो आंकड़े मेरे सामने है, वो मैं प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल है कि हमारे पास जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कमी, तो जहां तक अभी डॉक्टर साहब भी विस्तार से बता ही रहे थे कि एक तो उनकी आपूर्ति के लिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजी भी कर लिया है उनकी तैनाती की जा रही है। दूसरा कि कुछ समय पहले ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी पद रिक्त हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से संविदा के आधार पर भी जिनकी बहाली होनी है, पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स, हर जिले में बहाल की जाएगी। देखिए आप इस बात से भी नकार नहीं सकते हैं, आपके प्रतिष्ठित चैनल की बात करें, अगर हमारा कोई ऑफिस है उसकी बात करें, कहीं भी किसी भी जगह की बात करें, वहां अधिकांश लोग संक्रमित होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी संक्रमित हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग खबरें भी चला रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में IMA ने जो डाटा दिया है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की देहांत कोरोना से बिहार में ही, तो डॉक्टर्स की जो संख्या होती है, डॉक्टर्स भी अपनी सेहत को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो वैसी परिस्थिति में अधिकांश डॉक्टर्स तो अपनी सेवा देने जाते हैं। कुछ ही ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिन पर सरकार लगातार कार्रवाई करती आ रही, बर्खास्त भी कर रही है। और आपके चैनल ने इस मुद्दे को अभी उठाया है और एकदम सही बात है कि गांव में भी कोरोना पांव पसारने लगा है। आप सबने देखा भी होगा कि अभी जस्ट स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव है, अपर मुख्य सचिव बन चुके हैं प्रत्यय अमृत जी, उन्होंने भी मीडिया के लोगों को ब्रीफ किया था। वही आंकड़े मैं आपके सामने बस रखना चाहता हूं कि सभी जो 1454 अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र है PHC, उन सबको खोल दिया गया है। वहां 3000 से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। अगर हम आशा वर्कर्स की बात करें तो 80,000 आशा वर्कर्स और 4,000 आशा फैसिलिटेटर्स को लगाया गया है ताकि गांव में अगर किसी इंसान में सिम्टम दिखता है तो उसको आइसोलेट किया जाए, उसका डाटा ऐप पर अपलोड किया जाए। उसके अलावा 15,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनको पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी, उन सबको गांव में लगाया गया है ताकि वो मरीजों की देखभाल कर सके। ₹200 प्रति मरीज उनको देखभाल करने के लिए सरकार बैंक के माध्यम से देगी। अभिषेक दिक्कत यही है, अभिषेक दिक्कत यही है, जब सोशल मीडिया पर प्रत्यय अमृत जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये खबर आती है कि अभी काफी बिजी है। हम भी नहीं चाहते कि वो डिस्टर्ब हो जाए, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल कदम ताल के साथ, मजबूती के साथ, सरकार के साथ लगे रहें। सवाल ये है कि जब वो डेटा देते हैं तो क्या डेटा के साथ कोई वीडियो क्लिपिंग भी देते हैं? जब नीतीश कुमार जी डायलेमे में रहेंगे, जब बिहार के मुख्यमंत्री इन चीजों से ओझल रहेंगे, तो फिर बात धुंधली होगी और जब सरकार ठगी जाएगी तो लोग तो ऐसे भी ठगे जाएंगे। सवाल है जो दस तस्वीरें हैं, वैशाली के चक सिकंदर स्वास्थ्य केंद्र में पेड़ के नीचे इलाज लोगों की नियति है, अस्पताल में ताला लटका है, मैं बार बार कह रहा हूं पीपल के पेड़ के नीचे स्लाइन चढ़ाई जा रही है। मुंगेर के वेल विहार स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में ऑटो में इलाज का सच भी हमने दिखाया, एम्बुलेंस नहीं ऑटो। लखीसराय के चानन ब्लॉक के महेश टोला में नए भवन में अस्पताल में भी ताला लटका है। अरवल के इमामगंज का उपस्वास्थ्य केंद्र तबेला बन चुका है। जमुई के डुमरकोला का स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। मुजफ्फरपुर के मादापुर में मरीज सिर्फ एक नर्स के भरोसे हैं। दरभंगा के गनौली गांव का स्वास्थ्य केंद्र लोगों का भूसा घर बन चुका है। समस्तीपुर के हरपुर का स्वास्थ्य केंद्र शराबियों का अड्डा बन चुका है। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में एक अस्पताल बिना शुरू हुए ही खंडहर बन गया। और हम साबित कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए, सरकार तक पेपर पहुंचते हैं और वो आंकड़े बदलकर मीडिया में चले आते हैं, नहीं दिखाएंगे आंकड़े, हम तस्वीर दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को आप अपने आंकड़ों से जोड़िए अभिषेक। और जिस मानवता की बात आपने कही 100% सही है, हम उसी के नाते पूछते हैं आपसे जी, आप रिटर्न बैक कीजिए सचिव महोदय को जो रिपोर्ट दी है उन्होंने, और ये क्लिपिंग हमसे ले लीजिए। 10 तस्वीरें तो अभी तुरंत के तुरंत हम आपको लाइव में दे देंगे, उसे स्टेपल कीजिए, पिन अप कीजिए और सचिव महोदय को दे दीजिए कि मुख्यमंत्री जी को सौंप दीजिए, फिर आपकी खबर ली जाएगी। क्या बता रहे हैं मुख्यमंत्री को आप, क्यों धोखे में रख रहे हैं सरकार को? विवेक आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं कोई उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता है, आपके रिपोर्टर्स वहां गए होंगे और उन्होंने वो सारी चीजों को देखा। देखिए एक बात तो हम सब जानते हैं, थोड़ा लॉजिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक घर में अगर 10 एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं तो आमतौर पर अमूमन हर कोई स्वस्थ होता है, या एक दो लोग किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं और स्वास्थ्य केंद्रों पर आते हैं।
देखिए इस बात से भी कोई नकार तो सकता नहीं है ना कि पहले इस जमाने में जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता नहीं संभाली थी तब एवरेज पीएचसी पर एक महीने में 30 मरीज जाया करते थे और अब वो संख्या बढ़ाकर 10,000 तक कर दी गई है। लेकिन इस पैंडेमिक के सामने अमेरिका जैसा सुपर पावर भी धराशायी हो चुका है, हमारे पास तो जितने लिमिटेड संसाधन है, जितनी युक्ति हमारे पास है, सरकार जितना कर सकती है, प्रशासन के लोग जितना कर सकते हैं, खुद को उसमें झोंक कर अपनी अभिषेक में डाल के अभिषेक जी हो रहा है। अभिषेक जी हमें पता है कोरोना की बारात 200 से ज्यादा आएगी, हमें पता होता है 500 लोगों का खाना बनता है ना, 200 की बारात आने वाली, हम पूछ लेते हैं लड़के वालों से कि 200 की बारात आने वाली है, 500 लोगों का खाना बनता है, हम घटना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, तैयारियों में कमी नहीं होनी चाहिए। विवेक एक बारात की तैयारी इंसान जिंदगी भर करता है, उसको बेटी की शादी, कोरोना की महाफौज आई है, महामारी तो महाबली बना है, हर दिन है, हर दिन है कोरोना जैसी महामारी तो हमारे सामने, हर दिन एक चैलेंज के स्वरूप खड़ी है। आप देखिए ना कि देश पूरे विश्व के जो सबसे विकसित देश हैं उनकी स्थिति क्या हो गई, हम तो फिर भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पिछली बार बिहार की सरकार ने बिहार के लोगों ने परफॉर्म किया था और ठीक है ठीक है। कांग्रेस से कुंतल है, अभिषेक हम आपके पास आते हैं अभिषेक आते हैं, ये व्यवहार की बात है, विचारों की बात है, इसमें कहीं कोई मन में संदेह और मन में गिला शिकवा रखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जो हमारे नेता है कुंतल कृष्ण, उनसे भी जरा बात करते हैं। कुंतल जी, जो हालात है सबके सामने है, सवाल उन चीजों को लेकर है कि सरकार ने जिनके ऊपर भरोसा किया यानी अपने ऑफिसर्स के ऊपर, वो उन्हें क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। एक यहां धुंधली तस्वीर, एक साफ तस्वीर 10 खिड़कियों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें कहीं कोई लोचा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई गलती नहीं, बिल्कुल पाक है, साफ है। कांग्रेस क्या आज भी सवाल उठाएगी या कांग्रेस भी उस सरकार की सोच को एक डायरेक्शन देगी कि सर ऐसे मत, ऐसे चलिए, बाएं चलिए, बाएं चलिएगा तो बचे रहिएगा, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है या फिर अभी भी पॉलिटिक्स? विवेक जी मैं बारंबार इस बात को कहना चाहता हूं और आज फिर आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार, 15 सालों से आपने स्वास्थ्य के ऊपर बिहार में कोई ध्यान नहीं दिया। पहली बात, 15 साल से आप बिहार में सत्ता में हैं और आज के दिन में 15 साल में आपकी सत्ता में स्वास्थ्य की हालात यह है कि आपकी सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि वैश्विक महामारी है और बिहार तो बहुत गरीब, बहुत ही साधन विपन्न राज्य है। साहब 15 साल बहुत होते हैं, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने स्वास्थ्य महकमे से यह पूछिए कि ये वर्चुअल टूर में जो ये चीजें आपको दिखाते हैं उनकी असलियत क्या है। आप अपने किले नुमे मुख्यमंत्री आवास से कब बाहर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? आप बाहर आकर के इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करें कि आपके अस्पतालों के सही हालात क्या है, आपका स्वास्थ्य विभाग और आपके अधिकारी आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं क्या वो तस्वीर सही है। मैं आज किसी राजनीति की बात नहीं करना चाहता, पर विवेक ये सवाल, विवेक जी ये सवाल बिहार की उस जनता का है जो 80% गांवों में रहती है, जो 80% गांवों में रहती है। बिहार की जनता आज भी सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों पर रिलाई करती है और वो सरकारी संसाधनों के हालात 15 साल में क्या बना दिया आपने माननीय मुख्यमंत्री जी? आप ही के टेलीविजन चैनल पर भी मैं देख रहा था, अस्पताल के सामने पेड़ पर सलाइन चढ़ रही है। विवेक सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, इस बात से न नकारिए। और मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि आप कब अपने उन जिम्मेदार ऑफिसरों को इस बात को समझाएंगे और उनको यह जिम्मेदारी देंगे कि इस महामारी को वो एक इवेंट की तरह मत ले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके वर्चुअल टूर्स को आपके अधिकारी, कुंतल कृष्णा जी चलिए आप, ये चीजें हो गई, अब जरा रास्ता बताइए, फॉर्मूला बताइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जैसे 10 विंडो हमने खोले थे, 10 उपाय आप बताइए सरकार को, अभी से आगाह करना हम शुरू करते हैं, अभी भी जाग जाएगी सरकार, तो बहुत जागी हुई तो सरकार है ही, जो उनके ऑफिसर्स है सवाल उन पर है कि वो क्या करके रिपोर्ट भेज रहे हैं, आप बताइए कि क्या होना चाहिए। विवेक जी पहली बात, सबसे पहली बात, कांग्रेस ने गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत की थी, जिसे हम APHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की का नाम दिया था हम लोगों ने।
मेरा बिहार सरकार से पहला सुझाव है, मेरा बिहार सरकार को अपने एपीएचसीज को और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत करें, पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, बिहार में पिछले तकरीबन 10 साल से नर्सेस की बहाली नहीं हुई है, डॉक्टर्स की बहाली नहीं हुई है। पिछले साल 10,000 पोस्ट के अगेंस्ट में 5,000 नर्सेस की बहाली की गई। विवेक, हमें याद है आज से 15-20 साल पहले सफेद साड़ी पहने हुए नर्स दीदी गांव में आया करती थी और पूरे गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था उन पर टिकी होती थी। आज के दिन में वो नर्स दीदी नरारद हो गई है। डॉक्टर्स गांव में डॉक्टर्स यदा कदा भी नहीं दिखते। तीसरी बात, कृपया जमीनी हकीकत को समझे, कृपया जमीनी हकीकत को समझे और स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लाएं। बिहार सरकार स्वास्थ्य को, ठीक है, पिछले 15 साल से बिहार सरकार प्रायोरिटी लेवल की बात, ठीक है, प्रायोरिटी लेवल की बात आपने कही है, ठीक है। हम डॉक्टर साहब के पास चलना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे क्योंकि समय की काफी कमी रहती है इसमें। डॉक्टर पीके सिन्हा साहब, एक चीज तो है कि प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। रक्षा मद में जो खर्चा, क्योंकि कल इस बहस हम इसी पर कर रहे थे, क्यों नहीं हम इसे फ्रंट लाइन पर ले आए, और लाना भी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसे अब डबल और ट्रिपल और ज्यादा स्पीड में चलाने की जरूरत है। अभी भी बहाली का रोना रहेंगे, रोएंगे 2021 में भी, 22 में भी कुछ ऐसा ही चलेगा, तब तक कुछ और स्ट्रेन चलाएगा। अब तो एक और महामारी को इंगित करने के लिए सरकार ने कह दिया कि अब जो ब्लैक फंगस है उसे आप अलग तरीके से महामारी कीजिए। तब तक बिहार से पटना के पीएमसी से खबर आती है कि अब एक व्हाइट फंगस भी आ गया है। लीजिए, तो महामारी की संख्या बढ़ रही है लेकिन हालात वैसे ही हैं। तो एक सुझाव तो प्रॉपर होना चाहिए। हम कब तक माननीय मुख्यमंत्री, कभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहते रहेंगे? ये जपमाला से हमें बाहर निकलना होगा, सीधी बात करनी होगी। देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत फंडामेंटल गड़बड़ियां शुरू से है, राइट। 70 ईयर्स हमारा हो गया इंडिपेंडेंस का, और 70 ईयर्स से हमारे यहाँ इसके तरफ किसी सरकार की ध्यान नहीं गया, वेदर इज कांग्रेस गवर्नमेंट या अभी जदयू का, उससे पहले जो जनता पार्टी का रहा हो, जिसका भी रहा हो। मेन है सर्वेलेंस, एपिडेमियोलॉजी, जो रूरल एरियाज में जो बीमारियां हैं इसको पकड़ने की बात है। अब जब तक सर्वेलेंस नहीं होगा, जब तक एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं होगा, डॉक्टर केवल इलाज करने का ही नहीं होता है, डॉक्टर्स का टीम बनता है, कम्युनिटी मेडिसिन का टीम बनता है। देयर इज अ पब्लिक हेल्थ कैडेट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, लेकिन बिहार में अभी तक नहीं हुआ है। उसका अलग स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक एपिडेमियोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर आप सब डिविजनल लेवल तक रखें, आप वहां पे बायोस्टेटिस्टिशियन को रखें जो डाटा कलेक्ट करे कौन बीमारी कितना ही कर रहा है जी। जो जीआईएस सिस्टम रखें आप, जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि कौन महामारी, जैसे मुजफ्फरपुर का एईएस आता है जी जी, जब फैल जाता है, बच्चे मरने लगते हैं, तब आपका नजर आता है उसको। ये तो फैलने के पहले 2 महीना पहले से आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट होगा, फोरकास्ट करेगा कि हाँ आ रहा है। उसी तरह से ये जो अभी आपका पैंडेमिक आया, WHO ने डिक्लेयर किया है, भारत सरकार ने नहीं डिक्लेयर था, कोई भी पैंडेमिक WHO का राइट है डिक्लेयर करने का, वो जो बोल रहे थे प्रवक्ता गलत बोल रहे थे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने जो मापदंड दिया हेल्थ का, कितना इंडिया का GDP का कितना खर्च हो रहा है हेल्थ पर, 3 point कुछ, और बिहार में क्या है, बिहार में 0.6 बेड है पर 10,000 पॉपुलेशन। सबसे ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर पीके सिन्हा, अधीक्षक IGMS, ये आपको डेटा बता रहे हैं। अभिषेक, हम चाहते हैं कि हम उन डेटा को लेकर के आए, लेकिन बड़ी हिम्मत से, सादगी के साथ इन सभी चीजों को देखना होगा। समय की कमी है, नहीं तो इस बहस को 1.5 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे तक कर दिया जाता। जो बाध्यताएं हैं उससे अलग काम करना होगा। हम चाहते हैं कि सरकार के सामने जो चीजें रखी जाती हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल वो पारदर्शिता, ये ट्रांसलूसेंट वाला मौसम नहीं है कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है और बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो तस्वीर साफ होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ आए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और बाकी खबरों के लिए आप News18 के साथ लगातार जुड़े रहिए। This news is co-presented by